गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पे तो कल आपने योगा भी किया होगा घर पे और तो आज हम क्या पढ़ते हैं कंप्यूटर का आपकी किताब का पहला चैप्टर है आज हम आपके किताब से आपका कोर्स शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहला आपका चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है पढ़ा है ना तो ये क्या कह रहा है एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर इज डिवाइज फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट यू कैन सी डेट इन टूडे इन्वायरमेंट कंप्यूटर्स आर बिगनिंग यूज टू एलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस सच एज educational एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स बैंक रेलवेज मॉल्स एंड इवन homes. होम्स कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर का यूज़ हमारा कहाँ कहाँ होता है सभी आजकल तो हम सभी जगह कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं घरों में भी यूज़ कर रहे हैं ठीक है एजुकेशनल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स बैंक रेलवे मॉल सभी जगह आजकल हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो दे आर इम्पोर्टेंट एज द इनकेस आवर वर्क इफेंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट्स डेट टुगेदर मेक इट वर्क देअर पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के एक डिफरेंट्स पार्ट डेट टूगेदर मेक इट वर्क कि कंप्यूटर में काम करने के लिए ये पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं हार्डवेयर क्या है हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कम्प्यूटर दिस पार्ट्स कैन बी सी एंड टच्ड जिनको हम टच कर सकते हैं छू सकते हैं वह क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंसिस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ दीज यूनिट्स ये कंप्यूटर के वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं हार्डवेयर को हम छू सकते हैं जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस क्या क्या यूनिट होती हैं इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डाटा इन टू द कंप्यूटर की बोर्ड एंड माउस आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस सम अदर्स इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं मेन इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं अब अगला है एम आई सी आर एम आई सी आर क्या होता है मैग्नेटिक लिंक करेक्टर रिकॉग्नाइज इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू डिफाइन आइडेंटिफाई एंड रीड मैजिजेट करेक्टर्स प्रिंटेड ऑफ चेक्स एक्ट के? फिर क्या है स्कैनर इट इज़ एन इनपुट डिवाइस डेट ट्रांसलेट पेपर्स डॉक्यूमेंट्स इनटू टू फॉर्मेट डेट कैन बी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर स्कैनर इज यूज टू स्कैन इमेज फोटोग्राफ टेक्स्ट मैग मैगजींस पोस्टर्स डायरेक्टली इन टू द कंप्यूटर ये भी क्या है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हम किसी भी चीज़ को इससे इस्कैन कर सकते हैं जैसे फ़ोटोग्राफ्स हो गई इमेज हो गई टेक्स हो गया ठीक है okay? मैगज़ीन्स हो गई पोस्टर्स हो गए कुछ भी हम इस्कैन करके ले सकते हैं Uh, फिर क्या कह रहा है टू कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ स्कैनर्स ठीक है फ्लैटेबल स्कैनर्स एंड हैंडेबल स्कैनर्स फ्लैटेबल स्कैनर्स हैज़ अ फ्लैट प्लेन्स ऑफ ग्लास ऑन विच यू प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑफ इमेज टू बी स्कैंड हैंडल्ड स्कैनर स्कैनर इज अ dragged over the object that is required to be the scanned touch screen it refers to a computer screen of any other screen that we can use to give input data thought our finger strips touch screen mobile and atm machine are two examples of touch screen web camera a web camera is a video camera attached to a computer. The input device is used in video conferencing and instant messaging on the internet. It also called webcam. Drawing table. It has. It is an input device which has a board and special open to write over. It is.

आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड द ट्रांसलेट इन टू अ फ्रॉम सुटेबल फॉर यूज बाई यूज़र मॉनिटर एंड स्पीकर आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस ये आपका पहला चैप्टर है और उसमें हार्डवेयर के बारे में थोड़ा आप, आपको बताया कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या होता है ठीक है ये आप पढ़ेंगे और कुछ चित्र और कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं डेफिनेशंस वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जिससे कि आपको आगे के लिए पढ़ाई के लिए आसानी हो पाए थैंक यू